दोस्तों जय जय श्री राम। दोस्तों आज मेरे चारधाम यात्रा का 33वां दिन है। मल्लिकार्जुन से दर्शन करके जब निकला तो बहुत ज़्यादा घना जंगल है, लगभग 40-50 किलोमीटर जंगल है। तो मैंने जंगल पार करके सामने एक मंदिर है, बहुत खूबसूरत मंदिर है यार। कल शाम को आया, मुझे बहुत सही लगा यहाँ पे। ना ही बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, ना ही बहुत कम लोग हैं, धीमे धीमे से भजन बज रहे हैं, बहुत ज़्यादा शांति है यहाँ पे। और मैं रेगुलर ट्रेवल कर रहा हूँ, मुझे थकान सी हो रही है यार। मुझे रह के जगह को देखना है, एक्सप्लोर करना है, महसूस करना है। मैं मंजिल तक पहुंचता हूं, दर्शन करता हूं, फिर वहां से निकल जाता हूं दूसरी मंजिल के लिए। कल शाम को जब मैं यहां पे पहुंचा था तो इस जगह को देख के बस आधे घंटे मैंने यहां पे बिताया, मुझे ऐसा लगा नहीं यार कल तो मुझे यहां पे रहना ही है। तो एक जगह रह के स्थिर उस जगह को फील करे बहुत समय हो गया। मैं जब सिलीगुड़ी में था उस वक्त एक दिन का रेस्ट लिया था, और उसके बाद सीधे आज दिल कर रहा है अंदर से रेस्ट लेने के लिए। इस जगह की खूबसूरती देखने के लिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है यार, आप देख रहे हो। ना ही बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, ना ही सुनसान जगह है। यहाँ सामने मंदिर है, धीमा धीमा सा भजन चल रहा है, बहुत सही लग रहा है। अभी सुबह सुबह का वक्त है, सूरज देव निकल रहे हैं, सुबह के लगभग 7:30 बज रहे होंगे। मैं जल्दी से नहा लेता हूँ, भगवान की पूजा कर लेता हूँ, और उसके बाद दिन की शुरुआत करते हैं। हरे कृष्ण। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग दोस्तों। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमो पार्वते पते हर हर महादेव। सुबह सुबह नहा के भगवान के पास जाके माथा टेक के बहुत सही लग रहा है। अभी जाके नाश्ता पानी कुछ करता हूँ और पूरे दिन यहाँ पर रहूँगा। बहुत सही लग रहा है यार, मुझे कसम से बहुत सही लग रहा है। सच बता रहा हूँ, मैं बड़ी बड़ी मंदिरों में जो जाता हूँ उतनी सुकून नहीं मिलती, आत्मा को उतनी शांति नहीं मिलती, पर यहाँ एक अलग से शांति है, सुकून है, अच्छा लग रहा है यार। मुझे कसम से बहुत सही लग रहा है यहाँ पे रह के। यहाँ आसपास कोई दुकान नहीं है, मैं थोड़ी दूर आगे जा रहा हूँ चाय पीने के लिए, और मुझे रामेश्वरम के लिए इसी हाईवे पे आना है। कल मैं मंदिर से निकलूँगा और सीधे इसी हाईवे को पकड़ के रामेश्वरम के लिए निकल जाऊंगा। दोस्तों आज दिन की शुरुआत करते हैं इस चाय और इस बिस्किट के साथ। अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। सुबह को नाश्ता करके आके मस्त सो रहा था। पूरी यात्रा की जितनी भी थकान थी आज मैंने मिटा दी। अभी यहाँ मंदिर में थोड़ी देर बाद भोजन देंगे, भूख लग रही है। आसपास कोई दुकान नहीं है, सामने चाय वगैरह की दुकान है, तो मैं जाके देख रहा हूँ कि खुला है कि नहीं। सुबह जो दुकान में गया था मैंने इडली खाई थी, बाद में बदतमीजी थोड़ी करने लगा। सामने होटल है चाय वगैरह का, जाके देख के आता हूँ, अगर खुला हो अभी तो चाय पी के रहेंगे, थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे, फिर सो जाऊँगा। शाम को जब उठूँगा 3-4 बजे सही से एक्सप्लोर करूँगा, फिर दिखाऊंगा। अभी थकान बहुत ज़्यादा हो रही है ना, आज मेरा रेस्ट डे है, रेस्ट डे आराम कर रहा हूँ, ट्रेवल नहीं कर रहा हूँ, यात्रा नहीं कर रहा हूँ, पर व्लॉग कर रहा हूँ। शाम को 3-4 बजे जब उठूँगा उसके बाद आपको यहाँ का व्यू दिखाऊंगा। बहुत सही है यार, बहुत सही है।
यहाँ सामने दुकान भी खुला है। कौन है भैया यहाँ पे? आप हो? चाय चाहिए, चाय है ना? चाय चाय दीजिएगा और एक बिस्किट ले ले रहा हूँ। अभी थोड़ी देर बाद 1:30 बजे यहाँ पे भोजन देंगे, तब तक मैं यहाँ पे चाय पी के काम चला रहेगा। आसपास कोई रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ मैं खाना खा सकूँ। और जब यहाँ पे निःशुल्क भोजन दे रहे, प्रसाद दे रहे हैं, पहले भगवान को भोग लगाते हैं उसके बाद वो प्रसाद के तौर पे देते हैं। तो जब निःशुल्क दे रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, तो मैं बाहर जाकर पैसे क्यों खर्च करूँ? हाँ, चाय पी के काम चला रहा हूँ, थोड़ी देर बाद खाना खाऊँगा। वैसे भी टाइम नहीं हुआ, भूख लग रहा है पर टाइम नहीं हुआ है ना। 12:30 बजे को नहीं दोपहर का खाना खाता है, मैं खाता हूँ, भूख लग रहा है। चाय पी लेते हैं, ठंडी हो जाएगी। खाना खा के हो चुका और सामने देख रहा हूँ यहाँ इमली मिल गई मुझे, थोड़ा लेके चलता हूँ, टेंट में बैठ के खाऊँगा। पता नहीं यहाँ पे किसने इमली रखा है, मैंने थोड़ा ले लिया और ये रहा अपना सामने टेंट, मस्त टेंट में बैठ के इमली खाऊँगा। शाम के 4:30 बज चुके हैं, व्यू चेक करो एक बार, सूर्यदेव लगभग अस्त हो चुके हैं। आज सच बता रहा हूँ दोस्तों, पूरे दिन मैं सोया हूँ, अब शाम को कितना ही सोऊं, शाम को भी बाहर निकल के घूमने आया हूँ। यहाँ एक गौशाला है, कल जब मैं यहाँ आया था तभी मैंने इस गौशाला को देखा था। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने देखा था, पर यार इतनी थकान हो रही थी कि कल कहीं गया नहीं और आज तो पूरे दिन सोते रहा। यहाँ पे क्या सही गायों को पानी पीने के लिए बनाया हुआ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और ये गाय क्या मस्त पानी पी रही है। हेलो, उल्ला, ये अच्छी है और इसे प्यार कर रहा हूँ तो ये मुझसे नाराज हो रही है। चाय होगा? चाय हो जाएगा ना? चाय दीजिए ना, एक आ मैं सारा बोरिया बिस्तर अभी पैक कर लेता हूँ, मैं इसे अभी अगर पैक कर लूँगा तो कल सुबह को निकलने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे कल।
अपनी आगे की यात्रा में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी यंग, लिव लाइव, लिव ड्रीम। चिक चिक बूम, राधे राधे, हर हर महादेव।